अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़र आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो जो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MCQs के लिए हवाले से और इसके साथ साथ इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, या जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब होता है कि इसकी दो ओपनिंग होगी, एक माउथ और एक एनस। और ये ट्यूब लाइक सिस्टम है, यानी कि इसमें दो ओपनिंग होंगी, एक माउथ और एक एनस। और इसको हम GI ट्रैक भी कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। GIT कहें या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहें। बाकी एनिमल्स की तरह इसके अंदर कंप्लीट गट होती है। सो जो इसकी जो खाने को अंदर लाते हैं, वो आप इट बिगेंस विद माउथ, के माउथ के जरिए आप खाने को अंदर इनटेक करते हो, और ये ख़त्म कहाँ होता है, एनस पे होता है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या इसमें एक डाइजेस्टिव ट्रैक आता है और साथ में एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं। यानी कि सिर्फ ट्रैक नहीं है, कुछ ऐसा सिंपल ट्रैक नहीं है कि ये सारी एसोफेगस है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बल्कि कुछ ग्लैंड्स भी हैं। उन ग्लैंड्स में एक लीवर का ग्लैंड आ जाता है इंपॉर्टेंट, फिर पेनक्रियाज आ जाता है, ठीक है, ये पेनक्रियाज का पूरा ग्लैंड है। इन सब का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जो कि डाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। इन वेरियस रीजन आर डिज़ाइंड फॉर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, हमारा जो ट्रैक्ट है पूरा, उसमें अलग अलग रीजन है। एक एसोफेगस का रीजन है, एक स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हर एरिया पर अलग अलग फंक्शन हमारी बॉडी में होना है। और कह रहे हैं GI ट्रैक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड हैं, जिनमें सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड वो होते हैं जो आपके माउथ के अंदर मौजूद हैं, ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। वो सलाइवा रिलीज़ करते हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, और इनका क्या रोल है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। लीवर है और पेनक्रियाज। तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड जो आपके GI ट्रैक के साथ एसोसिएटेड हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले माउथ होता है। यहाँ पर तस्वीर पूरी नहीं है, समझ लो यहाँ पर किसी इंसान का माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद क्या आ जाता है, ओरल कैविटी, यानी कि माउथ की जो ओपनिंग होगी, फिर माउथ के अंदर जो जबान और ऊपर वाला एरिया, यानी अपर जॉ, लोअर जॉ, ये जो एरिया होगा, साथ में चीक्स मौजूद होंगे, ये ओरल कैविटी बनाएंगे। ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। फिर ओरल कैविटी के बाद जो खाना होगा सीधा वो इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। ये जो ट्यूब होगी यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, जो ट्यूब है फेरिंग्स। तो माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के पास जाएगा। फेरिंग्स के बाद वो एसोफेगस के पास जाएगा, एसोफेगस से फिर जाएगा वो स्टमक में, फिर स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के जरिए बाहर बॉडी से, ठीक है। फिर इसी बीच के रास्ते में इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम भी हो रहा होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होता है, इन्हें मैंने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया। सो फेरिंग्स, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, जो ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर एंड पेनक्रियाज है। और अब हम उनको डिस्कस करते हैं। माउथ की बात करते हैं, तो माउथ जो है वो एंटीरियर ओपनिंग है। एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाली। एक होता है एंटीरियर रीजन, एक पोस्टीरियर। अगर ये कोई इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये सामने इसका फेस होगा, तो ये जो उसकी सामने वाली बॉडी होगी ना पूरी, ये एंटीरियर पार्ट है। क्या है, एंटीरियर पार्ट। और एंटीरियर का दूसरा नाम होता है वेंट्रल, ठीक है, एंटीरियर या वेंट्रल। और जो इसके पीछे वाला पार्ट होगा उसको आप पोस्टीरियर कहते हो। तो जो माउथ है आपका, वो देखो सामने की तरफ होता है ना, हम कहते हैं एंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक की। और इट इज़ बाउंडेड बाय टू फ्लैशी लिप्स, जो लिप्स होते हैं, एक अपर लिप, एक लोअर लिप। और माउथ का काम क्या होता है, इसमें सिर्फ फूड की इंजेक्शन होती है, यानी कि माउथ के जरिए आप फूड इंजेस्ट करते हो। ये नहीं कहना कि माउथ के अंदर कोई डाइजेशन हो रही है। जो डाइजेशन हो रही है, ठीक है, मैकेनिकल केमिकल, वो आपकी माउथ की कैविटी के अंदर हो रही है। माउथ को हम नॉर्मली कहते हैं कि वो खाने को अंदर लेके आ रहा है, दैट्स इट। तो बकल कैविटी है या माउथ कैविटी है, उसमें सारा रोल होगा। कह रहे हैं माउथ जो है वो ओपन होता है एक वाइड स्पेस में। अब आपने मुंह खोला तो एक लंबी सी वाइड स्पेस आ गई, इसको आप क्या कहते हो, ओरल कैविटी कहते हो। मैं इसको ओवरव्यू देना चाहूँ तो, या जो आपकी ओरल कैविटी होती है ना, इसमें एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। जो लोअर पार्ट होता है ये वाला, ये लोअर जॉ से मिलकर बना होता है। जो अपर पार्ट होता है वो अपर जॉ से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ यहाँ आपके ये जो ओरल कैविटी है, जो बकल कैविटी का एरिया है, वहाँ पर कुछ खास स्ट्रक्चर्स भी हैं। हम अगर इसको यहाँ पर देखें, तो ये जो माउथ का जो अब ओरल कैविटी है, उसका जो आगे वाला पार्ट है ना, वो हार्ड पैलेट से मिलके बना है। तो आगे वाला पार्ट जो है वो हार्ड पैलेट से मिलके बना है, ठीक है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट से मिलके बना है। सो माउथ का इंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट से मिलके बना है। अगर आप टच भी करो अपने माउथ के सबसे आगे वाले पार्ट को, तो यू विल फील कि ये थोड़ा टफ है, हार्ड है, बिकॉज ये बोन से मिलके बना है। तो इसे हम इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। जो पीछे वाला एरिया है, आप उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हो। और उसी सॉफ्ट पैलेट से एक प्रोसेस निकल रहा होता है, जिसको आप अलवा कहते हो या यूव्यूला कहते हो। क्या, यूव्यूला कहते हो या अलवा कहते हो, एक ही बात है, ठीक है। सो ये था इसका स्ट्रक्चर। और आपके फिर ओरल कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, अच्छा लेटरली का मतलब होता है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ बीच में है, तो उसके इस तरफ राइट पे, और कुछ चीज़ जो लेफ्ट पे होती है,
जो दोनों चीज़ें अगर लेफ्ट और राइट पर जो होती हैं हम उनको लेटरल कहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ आपके राइट पे है या लेफ्ट पे, हम कहेंगे कि यार वो मेरे लेटरल रखी है वो, ठीक है। ये एनेटमी के अंदर, ये एनेटमी की टर्म्स होती हैं जो आप MBBS में आने के बाद पढ़ते हो। सो आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ों को ज़रूर पढ़ो। तो ओरल कैविटी क्या है? एक वाइड स्पेस है जिसको आप ओरल कैविटी कहते हो या बकल कैविटी कहते हो, और ये अपर और लोअर जो मिलके बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक टंग होती है। टंग जो होती है कुछ और नहीं है बल्कि एक मसल्स हैं, बहुत सारी मसल्स मिलके क्या बनाती हैं? टंग बनाती हैं। और इस टंग के ऊपर कुछ और नहीं होता, मसल्स ही होती है। हाँ, मसल्स के ऊपर कोई चीज़ लगी होगी वो अलग बात है, बट टंग का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है? मसल बना रहा है। तो आपके ओरल कैविटी के फ्लोर पे क्या होता है? फ्लोर यानी कि फर्श टाइप एरिया जो होता है नीचे वाला, वहाँ पे मस्कुलर टंग होता है। इसके साथ साथ जो छत होती है, रूफ, वो एक डॉम शेप्ड होती है। वो हार्ड पैलेट बनाता है एंटीरियरली एंड सॉफ्ट पैलेट बनाता है पोस्टीरियरली। देखो ये डोम की तरह है, डोम कहते हैं इस तरह का एरिया, ठीक है। आपका मुंह देखो तो इस तरह होता है, ये डोम शेप्ड एरिया है। आगे की तरफ कौन बना रहा है इसको? आपका हार्ड पैलेट। और पीछे की तरफ कौन बना रहा है? आपका सॉफ्ट पैलेट बना रहा है। और ठीक है, और मिडल जो होता है ना, इन मिडल ऑफ सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन इज अ मस्कुलर यूव्यूला। मैंने इसकी बात की कि आपके जो सॉफ्ट पैलेट के मिडल में, जो आपका ये सॉफ्ट पैलेट है इसके मिडल में यहाँ पर एक यूव्यूला निकल रहा होता है। और लेटरली चीक्स होते हैं, और वाइल इट इज़ कनेक्टेड पोस्टीरियरली विद द फेरिंग्स। और माउथ कैविटी पीछे कहाँ ओपन हो जाती है? फेरिंग्स में। मैं इसका जिक्र बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। कह रहे हैं बोथ जॉज आर लाइंड बाय रोज ऑफ टीथ। हमारे जॉज में देखो दांत होते हैं, ठीक है, अपर टीथ होते हैं, लोअर टीथ होते हैं। और टीथ का काम क्या होता है? ये खाने को कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं, ठीक है। खाने को तोड़ना, काटना और उसको ग्राइंड करना यानी कि क्रश करना, ये टीथ का काम है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि टीथ मैकेनिकल डाइजेशन करा रहे हैं हमारी ओरल कैविटी में। कह रहे हैं अपर जो जो होता है फिक्स होता है, अपर जो आपका मूव नहीं करता, बट लोअर जो आपका मूव करता है। अब आप मुंह खोलते हो तो उसमें आपकी बेसिकली लोअर जो की मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, और लोअर जो है वो आपका मूवेबल है। अब टीथ की बात करें तो यार जो टीथ होते हैं नॉर्मली हमारे, उसमें चार तरह के होते हैं। इंसाइजर होते हैं, सी से कैनाइन, ठीक है, फिर प्री मोलर और मोलर। और जो टीथ होते हैं आपके सॉकेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। देखो टीथ सॉकेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये टीथ है, उसके नीचे एक सॉकेट मौजूद होगा जिसके अंदर आपके टीथ बंद होते हैं। जो आपका यानी कि अगर आप टीथ के ऊपर जो वाइड एरिया है उसके नीचे जाओगे, आप खुद भी टच करो तो कुछ मस्कुलर चीज़ मौजूद है, उसको आप सॉकेट्स कहते हो। और ये जो सॉकेट्स होते हैं वो बोनी होते हैं, मसल जो है उन बोन्स को बाहर से कवर कर रही है, बट अंदर की तरफ ये कैसे हैं? बोनी है। तो यानी कि आपका जो लोअर जो है, फॉर एग्जांपल ये लोअर जो, मैं अगर इस तरह रफली बनाना चाहूँ, तो इस लोअर जो के अंदर ये बोन है, बोन के अंदर कुछ सुराख मौजूद हैं। उस बोन्स को आप, उस सुराख को क्या कहोगे आप? सॉकेट कहोगे। तो जो आपके टीथ हैं किसके अंदर मौजूद हैं? सॉकेट्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लोअर एंड अपर जो, अपर जो में भी इस तरह सॉकेट्स होते हैं और लोअर जो में भी सॉकेट्स होते हैं। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? थीकोडोंट। थीकोडोंट वो कंडीशन है जिसमें आपके दांत जो हैं वो किसके अंदर बंद हों? सॉकेट्स के अंदर, ठीक है। और कह रहे हैं हमारी लाइफ टाइम में दांत के दो सेट्स होते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ टाइम में दांत के दो सेट्स होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो ह्यूमन्स हैं वी आर डायफाइडोंट। क्या है हम? वी आर डायफाइडोंट। डायफाइडोंट का मतलब है हमारे दांत जो हैं वो दो उनकी लाइफ साइकिल हैं। एक पहले दांत आते हैं और फिर बाद में आते हैं। जो पहले दांत आते हैं वो 20 होते हैं, जो बाद में आते हैं वो 32 होते हैं। हाँ, तो जो पहले दांत आते हैं हम उनको डिसीडुअस टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं, और बाद में उनको रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट टीथ करते हैं, ठीक है। और जो आपके डिसीडुअस टीथ होते हैं या 20 होते हैं, MCQs का पॉइंट है, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं हमारे टीथ का साइज और शेप डिफरेंट होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है कि आपके टीथ का साइज भी डिफरेंट है और उनका शेप भी अलग है। साइज और शेप अलग होने का क्या रीज़न है? बिकॉज वो अलग अलग फंक्शन उन्होंने प्ले करना होता है, ठीक है। और यानी कि इनके फंक्शंस की वजह से ये इट इज़ कोरिलेटेड विद द फंक्शन, ठीक है, एंड डिफरेंट डाइट। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ शेर की। शेर का नॉर्मली काम क्या होता है? शेर का काम होता है कि वो शिकार करता है। शिकार करके वो उस जिस चीज़ का शिकार करता है ना, उसकी बाहर वाली लेयर को, स्किन की लेयर को बिल्कुल चीर देता है, ठीक है, फाड़ देता है। हम ऐसा कहते हैं ना, चीर देता है, फाड़ देता है। तो इस चीरने के लिए और फाड़ने के लिए जो कैनाइंस टीथ होते हैं ना, कैनाइंस टीथ वो पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। उनकी जो पॉइंटिंग होती है और जो शार्प एजेस होते हैं उनके, यहाँ पर देखो ये इंसाइजर हैं और यहाँ पर होंगे कैनाइंस टीथ। जो कैनाइंस टीथ होते हैं ये थोड़े पॉइंटेड होते हैं, और पॉइंटेड की टीथ होने की वजह से वो उस गोश्त को चीर सकता है और फाड़ सकता है, ठीक है। तो ये उसका काम हो गया। जो इंसाइजर्स होते हैं इनका अलग काम होता है कि ये बाइटिंग वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो हम इनको पढ़ते हैं कि कह रहे हैं जो आपके 32 टीथ हैं ना, उनमें से जो आपके इंसाइजर हैं वो हैं 8 टीथ। इंसाइजर कितने? 8 हैं। तो 4 हैं वो क्या हैं? जो आपके कैनाइंस हैं वो कितने हैं? 4 हैं। मैं 32 में से बात कर रहा हूँ। इंसाइजर आपके 8 हैं, कैनाइंस आपके
चार हैं। प्री मोलर कितने हैं आपके? प्री मोलर्स भी 8 हैं, और मोलर्स कितने हैं? 12। तो 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32, आपके 32 डाउन कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये हमारी इस बुक के अंदर मौजूद नहीं है, बट सिंध की पुरानी बुक के अंदर ये कुछ अरेंजमेंट मौजूद थी, ठीक है, जो एमडी गेट के लिए ज़रूरी है। वो इस तरह है कि यार देखो, ये आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये जो है आपका लोअर जो है, और ये क्या है आपका अपर जो। तो 32 डांट हैं, किस तरह डिवाइड हुए होंगे 32 डांट? ये इस तरह होंगे कि 16 ऊपर और 16 नीचे। तो मैं कहूँगा कि यार ऊपर 16 है और नीचे भी 16 है। ये थोड़ा डिटेल में होने वाला है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको समझना कि आपके 32 दांत में से 16 ऊपर हैं और 16 हैं नीचे। अब जो 16 ऊपर हैं, आप टोटल कितने थे? आपके इंसाइजर कितने थे? 8। कैनाइन कितने थे? 4। फिर प्री मोलर कितने थे? 8। मोलर कितने थे? 12। अब हम अगर अपर जो और लोअर जो में डिवाइड करना है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं कि जो अपर जो है पूरा, उसमें 4 इंसाइजर होंगे ऊपर, 4 इंसाइजर नीचे, ऐसा ही होगा। कैनाइन है 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि अगर मैं माउथ कैविटी को ऊपर वाले एरिया में और नीचे वाले में डिवाइड कर दूं, जो ऊपर वाला है वहाँ पर 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर और 6 मोलर, और नीचे भी ये सीक्वेंस होगा। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार ऊपर और नीचे तो डिवाइड कर दिया है, मैं इस ऊपर नीचे वाले को और आधा कर देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आपकी माउथ की कैविटी थी फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसको पहले ऊपर वाले दांतों में डिवाइड किया और नीचे वाले दांतों में, तो ऊपर भी 16 आ गए, नीचे भी 16 आ गए। फिर जब ऊपर 16 आए और नीचे भी 16 आए, तो ऊपर कितने थे? 4 इंसाइजर थे, 2 कैनाइंस थे, 4 प्री मोलर थे और 4 प्री मोलर थे और 6 मोलर थे। अब मैं इसको किस तरह डिवाइड कर रहा हूँ? अब मैं इसको बीच में डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे। अब जो 16 16 थे, वो ऐसा होगा ना कि 8 इस तरफ रह जाएंगे और 8 इस तरफ, ऐसा ही होगा ना। अब 8 इस तरफ रह जाएंगे और 8 इस तरफ रह जाएंगे, तो ये जो ऊपर वाले 16 थे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको डिवाइड किया है, तो अब इसको आधे आधे कर दूंगा, ऐसा ही होगा ना। अब जो 8 इस तरफ है, 8 इस तरफ है, यानी हमें इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको आधा करूंगा, तो मेरे पास जो इंसाइजर हैं वो 2 रह जाएंगे, कैनाइंस मेरा 1 रह जाएगा, प्री मोलर मेरे दोबारा 2 और मोलर मेरे 3। ये जो दांतों का फार्मूला है ना, 2 1 2 3, ये डेंटल फार्मूला कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? डेंटल फार्मूला। ये अगर आपसे पूछा जाए कि 2 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ये शो कर रहे हैं कि आपका जो माउथ है, आपने उसको पहले ऊपर नीचे डिवाइड किया है, फिर आपने ऊपर नीचे वालों को भी हाफ में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले में, समझ गए वाली बात। सो ये था दांत का स्ट्रक्चर। अब इनके फंक्शन जो बहुत ज़रूरी हैं, कह रहे हैं जो आपके डिसीडियस टीथ होते हैं ना, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो होते हैं 20, तो आखिरी जो आपके मोलर होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो आपके मोलर होते हैं ना 12, वो आपके डिसीडियस टीथ में नहीं होते, ठीक है। आपके यानी कि इंसाइजर होंगे 8 पूरे, और आपके कैनाइन 4 होंगे पूरे, और आपके 8 और 4 12, और आपके 8 होंगे प्री मोलर, लेकिन आपके जो 12 मोलर हैं वो डिसीडियस यानी मिल्क टीथ में नहीं होंगे। अच्छा, इंसाइजर टीथ का काम क्या होता है? इंसाइजर टीथ जो होते हैं वो काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। इंसाइजर का फंक्शन याद रखना है, ये दांत के फंक्शन पूछे जाते हैं पेपर में, कि इंसाइजर का काम क्या है? बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और कटिंग के लिए। क्यों होते हैं? बिकॉज इनके जो फ्लैट शार्प एजेस होते हैं, बाय विच फूड इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर इंजेशन। तो इससे क्या होता है, इनके जो फ्लैट और शार्प एजेस होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको फूड को तोड़ने में, छोटे पार्टिकल्स में। इसके साथ साथ इनके शार्प और पॉइंटेड कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जो टीयरिंग के लिए यानी कि फाड़ने के लिए, और पुलिंग फ्लैश के लिए, यानी कि वही बात है ना, आप फॉर एग्जाम्पल कुर्बानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो गाय हो बकरी हो, उसकी जो खाल होती है उतारने के लिए हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होंगे ना, खास तौर पर जिनके कैनाइंस बहुत वेल डेवलप होंगे, जो शिकार करते हैं, जैसा कि टाइगर हो गया, वो जब शिकार करता है तो उसके स्किन को या फ्लैश को वो भी उतारता है, फाड़ता है, तो उसके फ्लैश को पुल करने के लिए, खींचने के लिए और टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, उनके कैनाइंस जो होते हैं उनमें वेल डेवलप होते हैं। तो याद रखना कि टाइगर्स में वेल डेवलप कौन से टीथ होते हैं? कैनाइंस होते हैं। इसके साथ साथ जो प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं, उनका काम क्या है? ग्राइंड करना यानी कि उसको तोड़ना, और उसके साथ पीसना और क्रश करना, यानी कि बिल्कुल भी क्रश यानी पीसना। तो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग एक ही तरह का काम है थोड़ा। तो प्री मोलर और मोलर का काम क्या है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। इंसाइजर का काम क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग। कैनाइन का काम क्या है? पुलिंग एंड टीयरिंग। और जो आपके प्री मोलर हैं और मोलर हैं, उनका काम क्या है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ठीक है, अब हम टंग की बात करते हैं। टंग की मैंने पहले कहा था, टंग एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन यानी मसल से मिलके बना है, और ये अटैच होता है हायोइड बोन से। यार हायोइड बोन आपके नेक पे मौजूद होती है, एक तरह की बोन होती है, यहाँ पर होगी, और इस हायोइड बोन के साथ आपका टंग पीछे से अटैच होता है। लेकिन आगे से टंग जो है आपका कहीं अटैच होता है? ज़रा जबान बाहर निकाल के चेक कर लो,
कहीं अटैच नहीं है, तो हम कहेंगे कि पीछे से जो है वो हेवाइट बोन के साथ अटैच है, ठीक है, लेकिन आगे से वो फ्री होता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इट इज़ अटैच थ्रू हेवाइट बोन विद द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर में, यहाँ पे माउथ के फ्लोर में वो हेवाइट बोन के साथ अटैच है, बट पोस्टीरियरली एंड मिडल, पीछे की तरफ और मिडल में ये अटैच है बोन के साथ, लेकिन फ्री है एंटीरियरली एट इट्स टिप। तो टिप जो है आपकी टंगी वो फ्री है, तो ये एरिया आपका फ्री है, और ये पीछे वाला एरिया और ये मिडल वाला एरिया यहाँ तक ये सारा अटैच है विद हेवाइट बोन। इसके साथ साथ जो आपकी टंग है ना, इस पर बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं। यहाँ जूम इन करके उन्होंने दिखाया है, बट यहाँ आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट आपकी फॉर एग्जांपल मैं रफली अगर कोई माइक्रोस्कोपिक आप डायग्राम देखोगे टंग की, तो वहाँ पर आपको ना इस तरह की थोड़ी प्रोजेक्शन नज़र आएंगी, इस तरह ऊपर नीचे एरिया नज़र आएगा। ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं आप इनको क्या कहते हो, पपीला कहते हो। और जो पपीला होता है इसके अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं जो सेंस ऑफ टेस्ट लेके जाती हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज में आता है कि आपके टंग के ऊपर जो प्रोजेक्शंस होती हैं आप उनको क्या कहते हो, पपीला कहते हो। पपीला के अंदर क्या होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं और टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, नर्व एंडिंग होती हैं और टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स का मतलब है जो टेस्ट को रिसीव करेंगे, टेस्ट जो रिसीव कर लेंगे वो फिर नर्व के थ्रू आपके दिमाग में जाएगा और आपका फिर ब्रेन पहचानेगा कि कौन सा टेस्ट है, ठीक है। सो पेपिला आज अ प्रोजेक्शंस। उसके साथ साथ जो टंग की अंडर सरफेस होती है, जो नीचे वाली सरफेस होती है, इट हैव अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम फ्रेन्युलम कहते हैं। ये जो आपकी जबान है इसके नीचे एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जिसको आप फ्रेन्युलम कहते हैं। अक्सर कुछ बच्चे जो है ना वो बोल नहीं पाते जल्दी, तो आप फिर क्या किया जाता है कि उनका चेक जब उनको किया जाता है तो देखते हैं कि उनका जो फ्रेन्युलम है, जो उनका फ्रेन्युलम है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो ज़्यादा लंबी है और ज़बान को फ्री ही नहीं कर रही, उसकी ज़बान, बच्चों की ज़बान निकल ही नहीं पा रही। जब ज़बान मूव नहीं कर पा रही फ्रीली तो बच्चे बोल नहीं पा रहे, तो फिर उनका फ्रेन्युलम जो है पूरा नहीं कट किया जाता, थोड़ा सा काट दिया जाता है ताकि उसकी ज़बान की मूवमेंट भी आसान हो जाए और बच्चा बोल पाए। तो फ्रेन्युलम क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो ज़बान की अंडर साइड पर मौजूद होती है। टंग का काम क्या है, मेस्टिकेशन यानी कि चबाने में रोल प्ले करती है, स्वेलोइंग यानी कि खाना जो स्वेलो करने में, और टेस्ट में भी इसका काम है और बोलने में भी टंग का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी जो ओरल कैविटी है, जो माउथ कैविटी है, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और टोटल 3 सलाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं। टोटल हमारी माउथ कैविटी में कितने सलाइवरी ग्लैंड हैं, 3 हैं। एक है ये पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड है जो आप अपने कान को हाथ लगाओ और कान का जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया है उसको आप पिना कहते हो, ठीक है, मतलब पूरे कान को पिना कहते हो, बट पिना का जो नीचे वाला एरिया है बहुत सॉफ्ट है, उसके नीचे ये मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कान होगा, ठीक है, ये यहाँ देख लो, ये है कान आपका, इस कान के साथ बिल्कुल नीचे ही मौजूद है आपका पैरोटिड ग्लैंड। तो ये कहा जाता है कि यार आपके जो पिना के अराउंड या पिना के करीब, पिना के नीचे, पिना की बेस पे मौजूद है आपका पैरोटिड ग्लैंड। फिर एक ग्लैंड है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल का मतलब है जबान के नीचे मौजूद है ग्लैंड। और एक होता है आपका सब मैंडिबुलर, जो आपकी मैंडिबल है ना, जो आपका नीचे वाला जॉ होता है, लोअर जॉ, उसको मैंडिबल की बोन से मिलके बना है, उस मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड मौजूद है उसको कहते हैं सब मैंडिबुलर। सब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के नीचे, जबान के नीचे तो सब लिंगुअल, आपके मैंडिबल के नीचे तो सब मैंडिबुलर, और आपके पिन्ना के नीचे तो हम कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है, मैं इसका ओवरव्यू दूं तो, या जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो एक सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा क्या होता है यार, एक तरह का लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होती हैं। सलाइवा का काम क्या होता है, वो खाने को लुब्रिकेट करता है, उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स कर देता है, उसको वेट बना देता है ताकि खाने की ग्राइंडिंग आसान हो जाए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से उसको क्रश कर सको, वरना बिल्कुल टफ चीज़, सॉलिड चीज़ दांत, उसको तोड़ने में थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा, और आपका जो आपकी ओरल कैविटी है वो भी जख्मी हो जाएगी। आप उसको वेट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा ताकि डाइजेशन में भी आसान हो जाए, आप उसको तोड़ना भी आसान हो जाए, और उसको लुब्रिकेट कर देते हो। और लुब्रिकेट करने के लिए आप उसमें क्या मिक्स करते हो, म्यूकस मिक्स करते हो। जो सलाइवा के अंदर क्या होता है, म्यूसिन होता है, म्यूसिन होता है या म्यूकस एक ही बात है, ठीक है, यानी कि म्यूसिन बेसिकली केमिकल होता है, जब उस म्यूसिन के अंदर थोड़ा पानी शामिल हो जाए ना वो म्यूकस बन जाता है, ठीक है। तो आपके सलाइवा के थ्रू म्यूकस या म्यूसिन रिलीज होता है जिससे आपके स्वेलोइंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। इसके अलावा आपके आपके सलाइवरी ग्लैंड से एक अमाइलेज एंजाइम भी निकलता है जो क्या करता है, स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे स्टार्च को तोड़ देगा आपके माउथ के अंदर, यानी कि थोड़े से स्टार्च को वो चेंज कर देगा किसमें, माल्टोज के अंदर। इसके साथ साथ आपके सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। आपके सलाइवा में कौन से दो एंजाइम मौजूद हैं, एमसीक्यूज का पार्ट है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में, और एक लाइसोजाइम मौजूद है जो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। और लाइसोजाइम का फंक्शन बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि लाइसोजाइम बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको तोड़ देता है, ठीक है, वो सेल वॉल को बनना ही नहीं देता।
ये लाइसोजाइम का काम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो आपका आपके माउथ के अंदर मौजूद हैं, ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कोई चीज़ आपके सामने मिर्चों वाली कुछ अच्छी चीज़ रख दी जाए तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू हो जाता है। ये कैसे आता है, मैं इसको आगे जब थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में जाके डिफाइन करूंगा। पर आप याद रखो कि जैसे ही आपके खाने आपके सामने कोई अच्छा खाना लाया जाता है, अच्छा खाना, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपके सामने टिंडे रखे रहें, आपको भी पानी नहीं आएगा। बट आपके सामने कोई बर्गर्स वगैरह रख दिए जाएँ, कोई आइसक्रीम चॉकलेट जो आपको पसंद हो, तो आप जैसे ही उनको देखोगे आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। खास तौर पे गोलगप्पे रख दिए जाएँ तो फिर पानी से भर जाएगा आपका मुंह, ठीक है। तो जब ये क्यों हो रहा है ऐसा, अरे आपका खाना तो आपके मुंह में गया ही नहीं है, ये सलाइवा रिलीज क्यों हो रहा है, ये होती है एंटिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप भाग रहे होते हो, आपके सामने कोई जंप आ जाता है, आप क्या करते हो, फ़ौरन से उसके ऊपर से कूद जाते हो, यानी कि आप एंटिसिपेट कर लेते हो और आप ये भी अंदाजा लगा लेते हो कि मुझे जंप बड़ा लगाना है या छोटा लगाना है। इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। तो जब आपके सामने खाना रख दिया जाता है ना, तो आपका ब्रेन एंटिसिपेट करता है और वो रिलीज क्या कर देता है, ये सलाइवा रिलीज कर देता है। लेकिन ब्रेन को एंटिसिपेशन के लिए भी ब्रेन के पास सिग्नल जाना जरूरी है, और वो जो सिग्नल जाते हैं वो आपकी एक नर्व लेके जाती है, जिसको वेगस नर्व कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट है, मैं आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ कि आपकी एक नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व का नाम, क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व, वो आपके ब्रेन में सिग्नल लेके जाती है, ठीक है। और वेगस नर्व कौन से नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कौन सा पार्ट, पैरासिम्पथेटिक पार्ट। और पैरासिम्पथेटिक कौन सा सिस्टम होता है यार, ये वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो उस वक्त एक्टिव होता है जब आप खाना खा रहे होते हो या आराम कर रहे होते हो, तो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक का पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। थोड़ा मैं टॉपिक से वही बातें दोबारा मैं निकल गया, बट जो भी बता रहा हूँ ये इस चैप्टर में आगे आने वाला है, तो आपके कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होंगे तो आपको उस वक्त कोई इशू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ रहा है। केमिकल भी स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ मैकेनिकल भी स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी में तीन ग्लैंड हैं, पैरोटिक ग्लैंड है जो पिन्ना की बेस पे है, सब लिंगुअल बेस ऑफ टंग, सब मैंडिबुलर बेस ऑफ लोअर जो कह रहे हैं। जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं ना, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे बस में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सामने गोलगप्पे रख दिए जाएं और पानी आना शुरू हो जाए और कहो यार पानी अभी नहीं आओ बाद में आना, ऐसा नहीं है, वो आएगा ही आएगा। बिकॉज इट इज कंट्रोल नॉट कंट्रोल बाय यू, इट इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ सलाइवा है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सलाइवा, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो सेम है। और कहा जाता है कि नॉर्मली 24 घंटों के दरमियान 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पैदा होता है, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और अभी का एक लास्ट टॉपिक है जो फेरिंग्स, इंशाल्लाह फिर आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स क्या है यार, मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। फेरिंग्स एक है ट्यूब, जो आपकी माउथ की कैविटी है ना, माउथ की कैविटी से जो खाना है वो आपके एक ट्यूब में जाएगा, जिसको आप फेरिंग्स कहते हो। इसके साथ साथ ना सिर्फ माउथ की कैविटी का खाना, बल्कि जो आपकी नोज़ की कैविटी है ना, वहाँ से जो आपकी हवा आती है वो भी आपके फेरिंग्स में जाती है। अगर मैं इसके यहाँ पे डायग्राम को आपको शो करना चाहूँ तो ये स्वेलोइंग का प्रोसेस दिखाया गया है, बट यहाँ ये जो नोज़ की कैविटी है और ये आपकी माउथ की कैविटी है, दोनों जो हैं बेसिकली इसके अंदर ओपन हो जाती हैं। ये जो एरिया है इसको आप कहते हो फेरिंग्स। देखो ये नोज़ की कैविटी और नीचे माउथ की कैविटी, दोनों मिलके यहाँ इस जगह पर ओपन हो जाती हैं, इसको आप फेरिंग्स कहते हो। फेरिंग्स फिर कहाँ ओपन होता है, अगर वो एयर लेके जा रहा है तो लैरिंग्स के जरिए यहाँ पर चला जाएगा, और अगर वो खाना लेके जा रहा है तो एसोफेगस के जरिए नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स को डिस्कस करते हैं कि फेरिंग्स है क्या और इसका रोल क्या है आपकी डाइजेशन में। कह रहे हैं फेरिंग्स जो होता है इट इज़ कनेक्टेड एंटीरियरली, आगे की तरफ वो ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है और नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है, यानी कि नाक की कैविटी एक साथ। ऐसा नहीं है कि पहले वो एक दफ़ा अटैच हो जाएगा आपके बकल कैविटी ओरल कैविटी के साथ और एक दफ़ा नाक की कैविटी, दोनों के साथ वो एक ही वक्त में अटैच है, यानी कि दोनों की चीज़ें एक ही वक्त में आपके फेरिंग्स के अंदर चली जाती हैं। आप सांस भी ले रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, दोनों वक्त में वो आपके फेरिंग्स के अंदर जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना, जब खाना खा रहे होते हो बात नहीं करो, बिकॉज खाना खाते हुए आप सांस भी ले सॉरी जब खाना खा रहे होते हो आप बात नहीं करो, बिकॉज जब आप बात करोगे तो आप सांस भी ले रहे होगे, तो आपकी हवा और एयर दोनों मिक्स हो जाएंगी, हवा और खाना मिक्स हो जाएगा। जब हवा और खाना मिक्स हो जाएगा तो आपकी बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि इसको अब मैं लंग्स में लेके जाऊँ या एसोफेगस के अंदर लेके जाऊँ। तो खाने के वक्त चुपचाप खाना खाओ ताकि खाना डायरेक्टली आपके एसोफेगस में जाए, कहीं गुर्दों में और फेफड़ों में ना चला जाए, जिससे आपकी मौत फ़ौरन से हो जाएगी, ठीक है।
सो फेरिंग्स जो होता है और पीछे की तरफ कहाँ कनेक्टेड होता है, ये एसोफेगस के साथ और लैरिंग्स के साथ, यानी कि दोनों के साथ कनेक्टेड है। आगे की तरफ भी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों के साथ कनेक्टेड है, पीछे की तरफ भी एसोफेगस और लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। मैं बार बार ये चीज़ दिखा सकूँ। अब जो फेरिंग्स है ना, वो एसोफेगस के साथ पीछे से कनेक्टेड है और आगे से लैरिंग्स के साथ। जब हवा आती है तो लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन मौजूद होता है, एपिग्लॉटिस। जब हवा आती है ना और हवा आपको लेके जानी होती है लैरिंग्स के अंदर, तो आप क्या करते हो, एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है वो खोल देते हो ताकि हवा डायरेक्टली अंदर चली जाए। लेकिन जब आपने खाना लेके जाना होता है एसोफेगस के अंदर और आप चाहते हो कि वो खाना लैरिंग्स के अंदर ना जाए, तो एपिग्लॉटिस को आप क्लोज कर देते हो। समझ आई ये बात? फिर खाना क्या होता है, वो आपकी सांस की नाली में नहीं जाता बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्यूब यानी कि एसोफेगस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो फेरिंग्स पीछे की तरफ किसके साथ कनेक्टेड है, एसोफेगस और लैरिंग्स के साथ। कह रहे हैं फेरिंग्स परमिट करती है पैसेज ऑफ जो आपने खाना स्वेलो किया है, सॉलिड था या लिक्विड था, किसमें, एसोफेगस में या गलेट में। और जो एयर थी उसको कहाँ भेजती है, ट्रेकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर। अच्छा, ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं, लेकिन ट्रेकिया के अंदर भेजने से पहले एयर कहाँ जाती है, लैरिंग्स के पास जाती है। ठीक है, और फिर लैरिंग्स के चली अंदर चली जाएगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया जो एक विंड पाइप होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जो फेरिंग्स है वो कनेक्ट, कहते हैं फेरिंग्स जो है इट इज़ कनेक्टेड ऑन आइदर साइड विद अ कैविटी ऑफ मिडल ईयर बाय वे ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ये एक ट्यूब होती है जो आपके फेरिंग्स को, जो फेरिंग्स की वॉल है आपकी, फेरिंग्स की ट्यूब है जो आगे माउथ की कैविटी, ऊपर नोज की कैविटी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आपका ईयर भी मौजूद है। तो ईयर के तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, ठीक है, फिर मिडल ईयर और इनर ईयर। जो मिडल ईयर होता है ना, जो मिडल ईयर होता है वो आपका कनेक्टेड होता है किसके साथ, फेरिंग्स के साथ। आपका मिडल ईयर इज कनेक्टेड विद फेरिंग्स, ये एमसीक्यू उसका पॉइंट है। सिर्फ मिडल ईयर कनेक्टेड है आपका फेरिंग्स के साथ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। किस लिए कनेक्टेड है, ताकि मिडल ईयर का जो एयर प्रेशर है आपका, वो आपके एक्सटर्नल ईयर प्रेशर के बराबर रहे। ठीक है, किस लिए कनेक्टेड है आपका मिडल ईयर, फेरिंग्स के साथ यूस्टेशियन ट्यूब की मदद से, ताकि जो एयर प्रेशर है ना वो आपके जो मिडल ईयर के अंदर मौजूद है वो इक्वल रहे आपके आउटर, जो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है उसके बराबर रहे। ठीक है, और जो आपकी एक और बात, जो आपके मिडल ईयर है ना, और समझो मिडल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है और ये इनर ईयर है। जो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से कान के पर्दे के जरिए। जो कान का पर्दा होता है उसका नाम है ईयर ड्रम की मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या है, ईयर ड्रम की मेम्ब्रेन। तो ईयर ड्रम की मेम्ब्रेन के जरिए आउटर ईयर और मिडल ईयर आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, याद रखना। इसीलिए कहते हैं ना कि कान के अंदर कोई चीज मत घुसाओ, जब डीपली घुसा दोगे तो आपका कान का पर्दा फट जाएगा। ठीक है, सो विच सेपरेट्स द कैविटी ऑफ मिडल ईयर फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ईयर। कह रहे हैं जो मसल्स होती हैं फेरिंग्स की, उनको फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स कहते हो, और इनका काम क्या होता है, ये खाने के स्वेलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो फेरिंग्स की मसल्स हैं उनका नाम क्या है, फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। और ये भी वो मसल्स होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाती हैं। कह रही हैं और जो फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, यानी कि ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, और ये प्राइमरी मसल्स हैं ऑफ द साइड एंड रियर फेरेंजियल वॉल्स। यानी कि ये जो फेरेंजियल की वॉल है ना, जो फेरिंग्स की वॉल है, ये फेरिंग्स की वॉल इन्हीं मसल्स की मदद से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो आपकी जो जबान है वो भी मसल से मिलके बनी है, और आपकी जो फेरिंग्स की वॉल है वो भी इन्हीं फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स मसल से मिलके बनी है। और ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब जो मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो ये था हमारा अभी का टॉपिक, और जो आगे ये स्वेलोइंग का मैकेनिज्म है, पेरिस्टाइलिसिस है और एंटी पेरिस्टाइलिसिस है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।